आज मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को अपना कॉलेज। तो गाइज ये है हम लोग के कॉलेज का एंट्रेंस, सीके बी कॉमर्स कॉलेज। गाइज कुछ ऐसा है हमारा कॉलेज। ओके सो हेलो गाइज, दिस इज अंकुश। तो गाइज जैसा कि मैंने तुम लोग को अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं तुम लोग को अपना एक कॉलेज टूर भी दूंगा, मतलब अपने कॉलेज का भी एक तुम लोग को फुल व्यू दूंगा कि कैसा है कैसा नहीं, मतलब कहाँ है कहाँ नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइज आज अभी मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज और बहुत ज़्यादा धूप है डूड, जिसके वजह से मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ठीक है अभी हम जाएंगे अपने कॉलेज, मतलब मेरा कॉलेज एक्चुअली जोहाट में है, जिसकी वजह से मुझे, मतलब मेरा कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लोकल जो गाड़ियाँ चलती है मतलब मैजिक, उसी में जाना पड़ता है। अच्छा तो अभी हम लोग मैजिक स्टैंड ही जा रहे हैं। तो ठीक है गाइस तुम लोग देखते रहो एंड आज मैं दिखाऊंगा तुम लोग को अपना कॉलेज। तो ठीक है तुम लोग देखते रहो। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ अपने मैजिक स्टैंड की तरफ, मतलब जहाँ से मैं चढ़ूँगा मैजिक पे और हम लोग उसके बाद जाएंगे अपने कॉलेज। मतलब पहले तो जोहाट जाना पड़ेगा, उसके बाद जोहाट में जाके थोड़ा चलना पड़ेगा हम लोग को, दो तीन मिनट नहीं मतलब 5 मिनट पकड़ लो। अरे कहना क्या चाहते हो। हाँ मतलब थोड़ा सा चलना पड़ेगा हम लोग को 5 मिनट जैसा एंड उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे डूड। तो ठीक है तुम लोग देखते रहो। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं जोहाट एंड अभी हम लोग कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो गाइस ये है हम लोग के कॉलेज का एंट्रेंस, सीके बी कॉमर्स कॉलेज। तो अभी एंटर करते हैं, दिखाते हैं गाइस कुछ ऐसा है हमारा कॉलेज, मतलब यह है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। इसके अंदर लोगों को लाइब्रेरी मिलेगा, उसके बाद ऑफिस रूम मिलेगा एंड उसके बाद ये सब जो है ये सब क्लासरूम्स हैं एंड ये है टीचर्स का पार्किंग। और इस तरफ से सीधा जाने पे हमें यहाँ पे सीधा जाने से हम लोग को टॉयलेट मिलेगा और ऑडिटोरियम है उस तरफ एंड वो है हम लोगों का क्लास। तो अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो और इस साइड से हम लोगों को कैंटीन मिलेगा, मैं सब दिखाता हूँ धीरे धीरे तुम लोगों को। तो ठीक है तुम लोग देखते रहो गाइस। यह है हम लोगों का क्लासरूम, मतलब HS फर्स्ट ईयर का, और अभी तक कोई आया नहीं है, मतलब हम दोनों और ये सिर्फ 4 लोग ही आए अब तक एंड हम लोग बहुत जल्दी आ गए इसलिए अभी तक कोई नहीं है। अच्छा और बाकी ऐसे ही हैं सब क्लासेस। और गाइस यहाँ से सीधा जाएंगे तो हमें ऑडिटोरियम मिलेगा एंड ये है ऑडिटोरियम हम लोग का, जो कि अभी तो बंद है फिलहाल, अभी तक कोई आया ही नहीं है एंड ये हर रोज कोई खोलता भी नहीं है इसको, मतलब कुछ फंक्शंस वगैरह होता है तो तभी खुलता है, ऐसा ही कुछ है। एंड इधर से रास्ता बाहर का, मतलब ये कॉलेज के बाहर का रास्ता। और गाइस ये है हम लोग का कॉमन रूम, मतलब बॉयज़ कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम है उस तरफ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर से जाना पड़ता है। और गाइस ये है हम लोग के टीचर्स का डिपार्टमेंट, मतलब सब ज़्यादा सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। और अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे, तो ठीक है मैं ऊपर से भी आपको व्यू दिखाता हूँ। कुछ ऐसा है छत,
एंड मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ, इससे पहले मैं नहीं आया था। मतलब अभी मेरे दोस्त ने बोला कि यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो मैंने सोचा कि ऊपर से एक व्यू दिखा दूँ तुम लोगों को। गाइस अभी हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं क्लासरूम पे, क्लास स्टार्ट ही होंगे अभी कुछ 8:50 बज रहे हैं एंड 9 AM से हम लोग की क्लासेस हैं फिर से। तो ठीक है अभी तुम लोग देखते हैं। तो गाइस ये है हमारा कैंटीन, तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। और गाइस हमारे यहाँ पे जो मतलब कॉलेज में NCC कैडेट हैं वो सब ड्रिल कर रही हैं यहाँ पे। तो ठीक है अभी मैं दूसरी जगह दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो और गाइस ये हम लोग का पार्किंग, मतलब ये सिर्फ टीचर्स के लिए है, हम लोग का पार्किंग इस तरफ है। हाँ ये है हम लोग के टॉयलेट का रास्ता, एंड अभी टॉयलेट करते हुए थोड़े दिखाऊंगा। गाइस जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि गर्ल्स कॉमन रूम यहाँ पे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर से जाना पड़ता है, तो वो है गर्ल्स कॉमन रूम। एंड हम लोग अभी हैं कॉलेज के पीछे की तरफ। गाइस अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी, बिकॉज मुझे एक बुक इशू करना था इंश्योरेंस का। और इस सीढ़ी से कुछ ऐसे जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा लाइब्रेरी। तो अभी चलते हैं एंड बुक लेते हैं, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। एंड लाइब्रेरी के अंदर फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का तो नहीं दिखा पाऊँगा तुम लोग को, लेकिन मैं बाहर का ही दिखाऊँगा जितना मैं सकूँगा। तो ठीक है तुम लोग देखते रहो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तुम पे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। ओके सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं कॉलेज से, एंड अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं मैजिक स्टैंड की तरफ। बिकॉज अभी हम लोग घर जाएंगे, और घर नहीं जाएंगे, पहले तो हम लोग मैजिक स्टैंड से मरियानी जाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग का ट्यूशन है अभी, तो ट्यूशन जाएंगे एंड उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो ठीक है गाइस तुम लोग देखते रहो। ओके सो गाइस अभी हम लोग मरियानी पहुंच चुके हैं एंड अभी हम लोग ट्यूशन जा रहे हैं। तो ठीक है अभी ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद निकल के ब्लॉग कॉन करते हैं। तो ठीक है मैं देखते रहो गाइस। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।